Hello students this is Tanushree so today we'll start another part of exercise 61 so let's start question number 3 दी लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड द नंबर ऑफ साड़ीज सोल्ड बाई थ्री शॉप्स ड्यूरिंग आर डे आर शोन इन द पिक्टोग्राफ बिलो तो देखो एक दिन में थ्री शॉप्स यहाँ पर दिया हुआ है तो थ्री शॉप्स में कितना साड़ी सेल हुआ है और कितना क्लॉथ सेल हुआ है वो पिक्टोग्राफ के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो फर्स्ट हमें पिकटोग्राफ समझना है तो देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड नंबर ऑफ साड़ीज सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है तो फर्स्ट है यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना सेल हुआ है उसका पिक्चर और फिर है नंबर ऑफ साड़ी कितना सेल हुआ है उसका पिक्चर ठीक है शॉप ए में ये है शॉप बी में ये है शॉप सी में ये है ठीक है अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है दो बॉक्स ये मिला के हो रहा है टेन मीटर्स ऑफ क्लॉथ तो इतना होगा टेन मीटर्स काउंट ठीक है ऐसे टेन मीटर्स टेन मीटर्स ऐसे काउंट होगा और यहाँ पे देखो एट साड़ीज तो फोर बॉक्स मिला के ये होगा एट साड़ीज ठीक है ऐसे काउंट होगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हाउ मेनी साड़ीज वेट सोल्ड बाई शॉप सी तो शॉप सी में कितना साड़ी सेल हुआ है वो हमें फाइंड करना है ठीक है तो देखो नंबर ऑफ साड़ीज वेट सोल्ड बाई शॉप सी तो देखो साड़ी साड़ी ये है ठीक है तो ये हमें देखना है शॉप सी में ठीक है तो देखो फोर बॉक्स मिला के एट साड़ीज हो रहा है ठीक है तो ये हो जाएगा एट फिर देखो ये भी एट होगा एट प्लस एट ठीक है या तो एट इंटू टू भी कर सकते हो ठीक है एट जो टोटल जितना बॉक्स है ऐसे तो उतना टोटल फुल बॉक्सेस तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एट प्लस एट कम है एट प्लस एट अभी देखो ये ये क्या होगा देखो फोर बॉक्सेस जब है ठीक है ये देखो ये तो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, है ना तो इसका जो वैल्यू है ये है एट एट साड़ीज ठीक है इंडिकेट कर रहा है एट सारी तो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो एक एक पार्ट कितना वैल्यू है तो फोर एट डिवाइडेड बाई फोर अगर करो तो फोर टू जट ठीक है तो ये हो जाएगा टू 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 देखो टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट ठीक है तो एक बॉक्स का वैल्यू हो रहा है टू ठीक है ऐसे भी देख सकते हो तो ये हो जाएगा टू प्लस टू प्लस टू सिक्स ठीक है ऐसे लिख सकते हो और एक तरीका से भी निकाल सकते हो देखो फ्रैक्शन में देखो ये है फोर पार्ट्स ठीक है टोटल है फोर पार्ट्स ठीक है अभी टोटल फोर पार्ट्स में से इतना क्या हो जाएगा देखो थ्री पार्ट्स है तो ये हो जाएगा थ्री फोर्थ पोर्शन ठीक है तो फ्रैक्शन में हम थ्री बाई फोर ऐसे लिख सकते हैं थ्री फोर्थ ठीक है तो एट साड़ीज का थ्री फोर्थ कितना होता है तो फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट टू इंटू थ्री सिक्स तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिक्स ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है ऐसे करके निकाल सकते हो ठीक है तो कोई भी जो भी प्रोसेस ईजी लगेगा वैसे यहाँ पे निकालना है ठीक है अच्छा तो ये हो जाएगा देखो एट प्लस एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी टू ठीक है तो ट्वेंटी टू साड़ीज सेल हुआ था शॉप सी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ वाज सोल्ड बाय शॉप सी तो शॉप सी में कितना क्लॉथ सेल हुआ है वो हमें फाइंड करना है ठीक है तो देखो लेंथ ऑफ क्लॉथ was sold by shop C. तो देखो लेंथ ऑफ क्लॉथ सेल हुआ है ये है ठीक है तो यहाँ पे देखो दो बॉक्स ये मिला के टेन मीटर्स हो रहा है ठीक है तो टेन मीटर्स यहाँ पे काउंट होगा टेन मीटर्स ठीक है तो टेन ये है टेन तो कितना बॉक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टोटल ऐसा बॉक्स है ठीक है तो टेन इंटू सेवन हम कर देंगे या तो कर सकते थे टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन ऐसे भी कर सकते हो ठीक है पर प्लस करने से थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन इंटू सेवन मीटर्स प्लस इसके साथ अभी ये तो बाकी है एक एक बॉक्स बाकी है तो यहां पे देखो दो बॉक्स जो है ठीक है ये शेडेड पोर्शन है दो बॉक्स है टेन मीटर्स ठीक है तो अभी एक बॉक्स है ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका हाफ तो टेन डिवाइडेड बाई टू तो हो जाएगा फाइव तो ये फाइव होगा ये भी फाइव ये भी फाइव है ठीक है तो एक बॉक्स है तो ये फाइव हो जाएगा फाइव मीटर्स ठीक है तो टेन इंटू सेवन सेवेंटी मीटर्स प्लस फाइव मीटर्स तो हो जाएगा सेवेंटी फाइव मीटर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच शॉप सोल्ड दी हाइस्ट नंबर ऑफ साड़ीज़ ठीक है और एक है हाउ मेनी डिड इट सेल ठीक है तो देखो शॉप ए शॉप बी शॉप सी में से कौन सा शॉप में हाइस्ट नंबर ऑफ साड़ी सेल हुआ है ज़्यादा साड़ी सेल हुआ है ठीक है तो हमें देखना है तो साड़ी सेल हुआ है ये है ठीक है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर बॉक्सेस है टोटल बॉक्सेस और एक है अच्छा यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बॉक्सेस है और एक ऐसा हाफ है वन टू और ऐसा है ठीक है तो इसमें हाइस्ट है ठीक है काउंट कर आ, ऐसे करके देखना ठीक है तो शॉप बी में ही हो रहा है हाइस्ट नंबर ऑफ साड़ी सेल ठीक है सेल हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी हाइस्ट नंबर ऑफ साड़ीज वेर सोल्ड बाई शॉप बी शॉप बी ठीक है अच्छा और एक क्वेश्चन है हाउ मेनी डिड इट सेल कितना सेल हुआ है ठीक है देआर फोर इट्स सोल्ड तो अभी हम काउंट करेंगे तो देखो यहाँ पे है कितना बॉक्स है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो एट साड़ीज़ तो एट इंटू फाइव हो जाएगा ठीक है अभी इसके साथ प्लस हो जाएगा एक बॉक्स है तो यहाँ पे टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना है टू है तो प्लस टू कर देंगे ठीक है तो हो जाएगा एट फाइव फोर्टी प्लस टू तो हो जाएगा फोर्टी टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय द थ्री शॉप्स तो ये थ्री शॉप्स में कितना साड़ीज टोटल सेल हुआ है वो हमें फाइन करना है ठीक है तो देखो टोटल नंबर ऑफ साड़ीज ठीक है वेर सोल्ड बाय थ्री शॉप्स तो शॉप ए में कितना हुआ है शॉप बी में कितना हुआ है और शॉप सी में कितना हुआ है फिर ऐड uh, कर लेना है ठीक है ऐड करके यहाँ पे निकालना है तो देखो शॉप ए में कितना साड़ी सेल हुआ है ये है साड़ी तो देखो यहाँ पे ये एक बॉक्स है वन टू थ्री फोर फोर टोटल बॉक्स है ठीक है और एट है तो फोर इंटू एट या तो एट इंटू फोर करने से क्या हो जाएगा थर्टी टू ठीक है थर्टी टू प्लस और ये है देखो और एक है इसका ये तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐसे होता है तो यहाँ पे टू प्लस टू करने से हो जाएगा फोर ठीक है तो थर्टी टू प्लस फोर ये शॉप ए में इतना सेल हुआ है ठीक है तो क्या हो जाएगा थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो टोटल थर्टी सिक्स शॉप ए में हुआ है ठीक है तो थर्टी सिक्स प्लस ठीक है अभी हम करेंगे शॉप बी का शॉप बी में एक बॉक्स वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इंटू एट हो जाएगा फोर्टी ठीक है और देखो ये एक है तो ये है टू तो प्लस टू तो हो जाएगा फोर्टी टू ये है शॉप बी में तो प्लस फोर्टी टू ठीक है अभी शॉप सी में शॉप सी में देखो एक बॉक्स वन टू टू बॉक्स है ठीक है तो टू इंटू एट तो हो जाएगा सिक्सटीन प्लस ये ये हम क्या निकाले थे टू प्लस टू प्लस टू सिक्स ठीक है तो हो जाएगा ट्वेंटी टू पहले ही निकाले थे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू अभी हम ऐड कर देंगे ज़ीरो वन कैरी हो जाएगा तो हंड्रेड ठीक है तो टोटल साड़ी कितना सेल हुआ है थ्री शॉप्स में हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट वाज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ सोल्ड बाय दी थ्री शॉप्स तो देखो थ्री शॉप्स में शॉप ए शॉप बी शॉप सी में टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ तो कितना क्लॉथ सेल हुआ है टोटल वो हमें फाइन करना है ठीक है तो दी टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ सोल्ड बाय थ्री शॉप्स तो देखो लेंथ ऑफ क्लॉथ ये है ठीक है शेडेड पोर्शन जो है ठीक है तो एक बॉक्स है टेन मीटर्स तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बॉक्सेस है तो फाइव इंटू टेन या तो टेन इंटू फाइव तो करने से हो जाएगा फिफ्टी तो यहाँ पे होगा फिफ्टी प्लस अच्छा अभी देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे है वन टू थ्री थ्री बॉक्सेस ठीक है थ्री इंटू टेन हो जाएगा थर्टी प्लस अभी देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन इंटू टेन सेवेंटी प्लस ये एक है बॉक्स तो इसका हाफ तो हो जाएगा फाइव प्लस फाइव तो सेवेंटी सेवन इंटू टेन सेवेंटी प्लस फाइव सेवेंटी फाइव पहले भी हम निकाल चुके हैं तो सेवेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है तो यूनिट लिखना है मीटर्स ठीक है अच्छा अभी हम ऐड करेंगे फाइव वन फिफ्टी फाइव मीटर्स क्वेश्चन नंबर फोर अ पब्लिशर पब्लिशेस अ टेक्स्ट बुक एंड अ स्टोरी बुक तो एक पब्लिशर एक टेक्स्ट बुक और एक स्टोरी बुक पब्लिश किए हैं ठीक है ईच कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक रिक्वायर्स 400 ग्राम्स ऑफ पेपर एंड ईच कॉपी ऑफ द स्टोरी बुक रिक्वायर्स 150 ग्राम्स ऑफ पेपर तो एक कॉपी टेक्स्ट बुक के लिए कितना पेपर चाहिए 400 हंड्रेड ग्राम्स ठीक है और एक कॉपी स्टोरी बुक के लिए कितना पेपर चाहिए 150 फिफ्टी ग्राम्स ठीक है इन अ ईयर द टू बुक्स आर प्रिंटेड टूज एट डिफरेंट प्रेसेस तो एक ईयर में एक साल में टू बुक्स प्रिंट हुआ है ये दो ही बुक प्रिंट हुआ है दो बार हुआ है ठीक है डिफरेंट प्रेसेस में द क्वान्टिटीज़ प्रिंटेड आर शोन बिलो ठीक है तो यहाँ पे देखो पिक्टोग्राफ में कितना कितना प्रिंट हुआ है उसका एक यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो ये हमें समझना है फर्स्ट तो देखो बुक्स प्रिंटेड ठीक है ये दिया हुआ है गुड प्रिंट प्रेस और प्रिंटेल्व प्रेस में ठीक है दो प्रेस में हुआ है कितना कितना हुआ है देखो ये जो एक बॉक्स है ये इंडिकेट कर रहा है थाउजेंड टेक्स्ट बुक्स ठीक है तो थाउजेंड प्लस थाउजेंड ऐसे काउंट होगा और ये जो शेडेड पोर्शन है ये हुआ है टू थाउजेंड स्टोरी बुक्स इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू थाउजेंड स्टोरी बुक्स ठीक है तो ये है टेक्स्ट बुक्स और ये है स्टोरी बुक्स ये है टेक्स्ट बुक्स ये है स्टोरी बुक्स ठीक है तो ऐसे हमें समझना है फर्स्ट क्वेश्चन देखो इन द ईयर हुई बुक वॉज प्रिंटेड मोर तो देखो इस ईयर में कौन सा बुक ज़्यादा प्रिंट हुआ है स्टोरी बुक या तो टेक्स्ट बुक तो यहाँ पे हमें देखना है देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का तो बॉक्स ज़्यादा है है ना और स्टोरी बुक का बॉक्स कम है तो टेक्स्ट बुक ज़्यादा प्रिंट हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बुक वॉज प्रिंटेड मोर इन दिस इयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वट वॉज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक्स प्रिंटेड तो देखो जो दो बुक्स प्रिंट हुआ है उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे निकालना है ठीक है तो देखो दो प्रेस में स्टोरी बुक्स और टेक्स्ट बुक दोनों ही प्रिंट हुआ है तो कितना टोटल प्रिंट हुआ है उसका डिफरेंस हमें निकालना है ठीक है तो फर्स्ट हम निकालेंगे देखो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिंटेड ठीक है तो टोटल कितना कॉपीज टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ है वो हम फर्स्ट निकालेंगे ठीक है तो देखो टेक्स्ट बुक कौन सा है ये है टेक्स्ट बुक ठीक है तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स ये है थाउजेंड टेक्स्ट बुक्स ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव बॉक्स है तो थाउजेंड इंटू फाइव हो जाएगा है ना थाजेंड इंटू फाइव हो जाएगा अभी प्लस देखो ये क्या हो जाएगा ये देखो ये टोटल फोर पार्ट्स है ठीक है इसमें से दो पार्ट्स यहाँ पे है ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो ये फोर पार्ट्स है तो थाउजेंड से अगर फोर डिवाइड करो तो हो जाएगा टू फिफ्टी तो ये टू फिफ्टी ये टू फिफ्टी ये टू फिफ्टी ये टू फिफ्टी ऐसे भी काउंट कर सकते हो ठीक है या तो ऐसे काउंट कर सकते तो इसका हाफ क्या हो जाएगा इसका हाफ क्या हो जाएगा थाउजेंड का हाफ हो जाएगा फाइव हंड्रेड है ना या तो टू फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है तो ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड ठीक है कोई भी तरीका से निकाल सकते हो अच्छा अभी देखो प्लस अभी यहाँ पे यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे वन तो टू थ्री तो थाउजेंड इंटू थ्री अभी प्लस इसके साथ ये ये भी ऐसे ही निकाल सकते हो 250 फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी है ना या तो ऐसे भी निकाल सकते हो या ये कितना है ये टोटल है फोर पार्ट्स ठीक है तो टोटल है फोर पार्ट्स ए ये और ये है थ्री फोर्थ पार्ट वन टू थ्री तो थ्री फोर्थ पार्ट है तो अभी देखो थाउजेंड टेक्स्ट बुक्स का थाउजेंड का थ्री फोर्थ क्या हो जाएगा सेवन फिफ्टी ठीक है ऐसे भी निकाल सकते हो या तो ऐसे निकाल सकते हो काउंट करके ठीक है अच्छा अभी ये ऐड हो जाएगा अच्छा ये हो जाएगा फाइव थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस सेवन फिफ्टी तो हो जाएगा अच्छा यहाँ पे देखो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी नाइन टू फाइव ज़ीरो ठीक है ये है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक जितना प्रिंट हुआ है ठीक है दो ही प्रेस में अभी हम निकालेंगे स्टोरी बुक्स कितना प्रिंट हुआ है तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड तो कितना प्रिंट हुआ है यहाँ पे निकालना है ठीक है स्टोरी बुक स्टोरी बुक देखो यहाँ पे दो है दो बॉक्स है तो एक बॉक्स टू थाउजेंड स्टोरी बुक्स टू थाउजेंड इंटू टू हो जाएगा ये प्लस अभी ये भी टू थाउजेंड इंटू टू होगा प्लस ये देखो एक बॉक्स है तो देखो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो ये है शेडेड पोर्शन है ये तो फोर इक्वल पार्ट्स है तो एक पोर्शन हम निकालेंगे तो टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर तो हो जाएगा 500 तो 500 500 500 500 ठीक है तो एक पोर्शन है 500 तो प्लस 500 ठीक है या तो ऐसे कर सकते हो ये है वन फोर्थ पोर्शन ठीक है इसका वन फोर्थ पोर्शन तो 2000 थाउजेंड इंटू वन फोरथ करने से भी हो जाएगा 500 ठीक है जो इजी रहेगा वो करना अच्छा अभी ये हो जाएगा 4000 थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड ठीक है तो हो जाएगा फोर एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अभी हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखो डिफरेंस कितना होगा तो टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक्स में कितना कॉपीज़ का डिफरेंस है वो निकालना है तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक ज़्यादा है नाइन टू फाइव ज़ीरो माइनस स्टोरी बुक कितना है एट फाइव ज़ीरो ज़ीरो तो हम माइनस करके देखेंगे कितना डिफरेंस है तो ज़ीरो फाइव सेवेन तो सेवन फिफ्टी इतना डिफरेंस है ठीक है दोनों बुक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट वाज़ द टोटल वेट ऑफ द पेपर यूज टू प्रिंट देम तो ये जो टोटल बुक्स प्रिंट हुआ है इसे प्रिंट करने में कितना टोटल पेपर लगा है कितना वेट लगा है टोटल वो हमें यहाँ पे निकालना है ठीक है तो देखो हम आ, बी में कर चुके हैं कि टोटल टेक्स्ट बुक्स कितना प्रिंट हुआ है वो हम निकाल चुके हैं तो टोटल टेक्स्ट बुक कितना है टेक्स्ट बुक है टोटल नाइन टू फाइव ज़ीरो नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इतना और स्टोरी बुक कितना है टोटल एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इतना है अभी देखो ये जो टेक्स्ट बुक है ठीक है एक कॉपी एक कॉपी प्रिंट करने के लिए एक कॉपी टेक्स्ट बुक ठीक है ये प्रिंट करने के लिए कितना ग्राम्स पेपर चाहिए फोर हंड्रेड ग्राम्स ठीक है तो टोटल टेक्स्ट बुक कितना है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो इतना कॉपी टेक्स्ट बुक प्रिंट करने के लिए कितना आ, कितना ग्राम चाहिए कितना ग्राम ऑफ पेपर चाहिए देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर हंड्रेड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना तो ये फर्स्ट हम निकालेंगे तो स्टोरी बुक के भी लिए निकालेंगे फिर हमें क्या करना है टोटल वेट कितना है तो फिर हम ऐड कर देंगे ठीक है तो देखो वेट ऑफ पेपर टू प्रिंट print बुक तो कितना पेपर चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर हंड्रेड इंटू नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स ठीक है अच्छा तो हो जाएगा देखो अभी वन टू थ्री ठीक है तो हो जाएगा अच्छा इतना ग्राम्स हो जाएगा अभी हमें क्या करना है केजी में हम कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है तो केजी में हम कन्वर्ट करेंगे तो थाउजेंड से डिवाइड हो जाएगा है ना तो देखो थाउजेंड से अगर डिवाइड होगा तो हो जाएगा थ्री ज़ीरो थ्री ज़ीरो कैंसिल तो थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड के जी ठीक है तो इतना इतना वेट का पेपर लगा है टेक्स्ट बुक प्रिंट करने में ठीक है अभी हम निकालेंगे स्टोरी बुक के लिए तो देखो स्टोरी बुक के लिए वेट ऑफ पेपर यूज्ड टू तो प्रिंट स्टोरी बुक ठीक है तो देखो यहाँ पे वन कॉपी स्टोरी बुक के लिए कितना पेपर लगा है वन कॉपी स्टोरी बुक के लिए कितना पेपर लगा है वन फिफ्टी ग्राम्स पेपर ठीक है तो वन फिफ्टी ग्राम्स पेपर लगा है ठीक है अभी टोटल कितना है स्टोरी बुक एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड कापी तो इतना कॉपी के लिए कितना लगेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पे हो जाएगा 150 फिफ्टी इंटू एट ग्राम्स ठीक है अच्छा तो ये हो जाएगा फिफ्टीन मल्टीप्लाई होगा सेवन तो देखो वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है यहाँ पे हो जाएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव और यहाँ पे थ्री ज़ीरो हो जाएगा ठीक है इतना ग्राम्स अभी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो थाउजेंड से डिवाइड होगा तो थ्री जीरो थ्री जीरो कैंसिल हो जाएगा तो वन टू सेवन फाइव के ठीक है तो ये है देखो तो वेट ऑफ पेपर यूज टू प्रिंट टेक्स्ट बुक इतना के जी और वेट ऑफ पेपर यूज टू प्रिंट स्टोरी बुक इतना के जी ठीक है तो टोटल वेट हमें निकालना है टोटल तो ये और ये हम ऐड कर देंगे ठीक है देयरफॉर फोर टोटल वेट ऑफ पेपर यूज टू प्रिंट देम तो ऐड कर देंगे ठीक है तो थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड के जी प्लस हो जाएगा वन टू सेवन फाइव के जी ठीक है तो देखो फाइव सेवन फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव के जी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा